एक्सरसाइज बताएंगे, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। जैसे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसकी में हमें थ्री की फेस वैल्यू दोनों निकालनी। तो फेस वैल्यू होती है वो उसी नंबर की सेम ही रहती है, ठीक है, यानी वो जो डिजिट होगी उसकी फेस वैल्यू सेम ही रहेगी। अगर थ्री की निकाल रहे हैं तो थ्री ही आएगी। और फेस वैल्यू कैसी आएगी, जैसे ये हमारा जो वन पार्ट हो गया, ये टेंस पार्ट हो गया, ये हंड्रेड हो गया, ठीक है, तो हम पार्ट्स के हिसाब से इसको करेंगे। वन टेंस हंड्रेड और ये हमारा कौन सा थाउजेंड प्लेस में है ना, उसके हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री वन टेन हंड्रेड, ठीक है। तो ये इसकी फेस वैल्यू निकालेंगे, फिर सेम है इस तरह से भी करेंगे। तो फेस वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। और इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो फिर से वंस टेंस, अभी टेंस केस में है तो क्या आ जाएगी, थ्री और वन जीरो, ठीक है। देखिए वंस टेंस आगे करके, फिर सेशन और प्रीडिसेशन क्या होता है, देखिए इसमें हम प्लस वन ऐड करते हैं और इसमें सब्ट्रैक्ट वन करते हैं। जैसे हमारी डिजिट है 4786, इसमें हम प्लस वन कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4787। इसी तरीके इसमें करेंगे तो 3842 है, प्लस वन कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3843, ठीक है। अब इसमें माइनस वन होगा हमारा, ठीक है, तो जैसे डिजिट है हमारी 1228, माइनस वन कर देंगे हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1227, ठीक है। फिर इसमें भी सेम है, जैसे ही माइनस कर देंगे तो माइनस वन इसमें यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4397, ठीक है। इस तरीके आप पहले एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। चलिए इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, साइन सही साइन लगाएंगे, ठीक है, कंपेयर द नंबर, नंबर को कंपेयर करेंगे और जो सही साइन होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए पहले डिजिट है 7838 और फिर इसके बाद है 3642। तो अब देखिए इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, इधर साइन लगेगा तो जो बड़ा है इधर की तरफ साइन लग जाएगा, तो ये बड़ा है ना ऐसे साइन लगा दी। फिर है 3843, इधर भी 3843 है, तो दोनों सेम है तो कौन सा साइन लग जाएगा, इक्वल। फिर इधर देखिए 7300